life. ओमज्ञानते विरामदस्य ज्ञानम्। मुझे चला गया चक्षुर्न्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय स्तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतुष्ये नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपीकांत श्रीराधाकांत नमस्तुते तत्वकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणाम हरिप्रिय वृंदाय तुलसीदेवी प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति ब्रज देवी सत्यवते नमनम। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। हम लोग सुनेंगे रासलीला। कहते राधा रानी की कुछ दिन बाद में राधा रानी की जन्मतिथि आ रही है। कहते उसको उपलक्ष्य करके हम लोग रासलीला श्रवण करेंगे। कहते जो रासेश्वरी है वो श्रीमती राधा रानी। इसलिए भागवत का जो पहला श्लोक है भगवान अपि तारात्री शरद उत्फुल्ल मल्लिका बिक्सरन्तु मनश्चक्रे योग मायां मुकाश्रिता। इसलिए श्री गुरुदेव कहते हैं कि जो श्रीमद् भागवत है ये भागवत नहीं बताया तमादि देवम करुणा निदानम तमाल वर्णम मुसृहृदावतारम अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवतम स्वरूपम। कहते ये श्रीमद् भागवत स्वयं भगवान कृष्ण है। जब भगवान कृष्ण ये संसार छोड़ करके चले गए उद्धव जी ने पूछा प्रभु आपका विरह को हम कैसे सहन करें। हम तो सारा जीवन एक साथ में रहे खाए सोए अब तो अभी हम मुझे छोड़ करके जा रहे मेरे को छोड़ करके जा रहे हो आपका विरह को हम कैसे सहन करें। तो कृष्ण ने कहा उद्धव जी मैं एक स्वरूप में तो जा रहा हूँ संसार से लेकिन कलयुग में दूसरे स्वरूप में भी निवास करूंगा। बोले किस स्वरूप में? बोले ये श्रीमद् भागवत है। इसलिए ये भागवत नहीं ये भागवत को जैसे कृष्ण को बोला तमादि देवम करुणा निदानम तमाल वर्णम सुहृदावतारम जैसे ये भागवत को बताई ये स्वयं भगवान कृष्ण है। इसलिए भागवत में जो द्वादश स्कंध नहीं बोले ये भगवान का द्वादश अंग है। प्रथम द्वितीय स्कंध कृष्ण के दो चरण तृतीय चतुर्थ स्कंध भगवान के दो उरु पंचम स्कंध भगवान का नाभि षष्ठ सप्तम स्कंध भगवान का दो हाथ अष्टम स्कंध भगवान का वक्ष स्थल नवम स्कंध भगवान का कंठ दशम स्कंध भगवान का मुखारविंद नव एकादश स्कंध भगवान का ललाट द्वादश स्कंध भगवान का सर। इसलिए जो श्रीमद् भागवत का जो दशम स्कंध को बताया ये भगवान की मुखारविंद है। जैसे शरीर तुम विजय हो हम कैसे पहचानेंगे तुम्हारे हाथ को देख करके नहीं प्यार को देख करके नहीं लेकिन जब तुम्हारे मुख को देख लेंगे ना फिर पता चलेगा ये कौन है विजय है। उसी तरह जो श्रीमद् भागवत है इसका मूल क्या है बोले ये दशम स्कंध ही भागवत का मूल है। अभी प्रश्न है अभी ये सुखी ना दुखी हमें कैसे पता चलेगा। कहते अगर आप हंसते हुए दिखेगा हम सोचे भैया ये सुखी है अगर हम मुंह लटका हुआ देखेगा हम क्या सोचेंगे ये दुखी है। कहते जो रासलीला है वो क्या है बोले भगवान की मुस्कान। ये भगवान की मुस्कान ही ये रासलीला है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं रासलीला में उसमें पांच अध्याय है। कहते पांच अध्याय नहीं ये पंच प्राण है। जैसे शरीर है सब कुछ शरीर सुस्त है लेकिन अगर शरीर में प्राण नहीं तो फिर क्या है
शरीर रहना नहीं रहना बराबर वो मृत है मानी जाती है। कहते उसी तरह गुरुदेव कहते हैं जो श्रीमद् भागवत का जो रास का जो पंच अध्याय है, ये पंच अध्याय नहीं कहते ये पंच प्राण है। मतलब है भागवत का तभी सार्थकता है अगर उसमें ये रास ले तो तभी तो इसकी सार्थकता, नहीं तो सब कुछ जीरो है। हाँ, सब कुछ जीरो है। इसलिए रास लीला ही भागवत का मूल जो अंग रास लीला, इसलिए इसका नाम रास लीला। रास लीला मतलब क्या है? रास मतलब होता है रस। कहते रस समूह नाम इति रास। रास मतलब जहां पर केवल रस ही रस है और जहां पर कुछ है ही नहीं। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी जब उन्हें रासलीला को वर्णना की तो उन्होंने विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इसका 10 नाम दिया है। रासलीला को उन्होंने 10 नाम दिया। साधारण लोगों का जो धारणा है हरे कृष्ण ये सब गोपियों को लेकर सब नाच नचे, कहते नहीं ये नाच नचे नहीं, उसमें 10 नाम दिया है जहां पर उन्होंने ये उल्लास, जहां पर सुंदर सुंदर गीत वाद्य, जहां पर आनंद उल्लास उत्फुल्ल है उसको कहते हैं रास। अभी प्रश्न है कि जीव को यह आनंद कब प्राप्त होता है, जीव को पूर्ण आनंद कब मिलेगा? इसलिए बताए जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, जीव भगवान के नित्य सेवक ही जीव है। जब तक जीव भगवान को प्राप्त नहीं करे तब तक जीव को पूर्ण आनंद नहीं मिल सकता। इसलिए बताया वेदों में कृष्ण को नहीं बोले रस वैसम रसम जवायाम लब्धवा आनंद भवती। इसलिए वेद कहता है भगवान नहीं वो स्वयं रस स्वरूप है, जिसको बताया अखिल रसामृतमृति। भगवान को बताए भगवान कौन है बोले अखिल रसामृत मूर्ति भगवान है। इसलिए श्री वल्लभाचार्य कहते हैं बोले अधरंग मधुरम बदनांग मधुरम हासितांग मधुरम नयनांग मधुरम गामनांग मधुरम चारितांग मधुरम माधुराधिपते राखिलांग मधुरम। इसलिए वल्लभाचार्य पूरा एक मधुराष्टक लिखा है। भगवान का सभी मीठा है, चलना मीठा, बोलना मीठा, हंसना मीठा, देखना मीठा, सब सभी मीठा ही मीठा है। जैसे रसगुल्ला कहते हैं ना, बोले रसगुल्ला क्या होता है? रसगुल्ला। गुल्ला को जब रस में डुबा दो क्या बन जाएगा? रसगुल्ला बन जाएगा। इसलिए बताया कि यार कृष्ण ऐसे ही है, उनको बताया रस स्वरूप, क्या ऐसे ही है? बोले नहीं, वो स्वयं ही रस ही है, वो स्वयं ही रस ही रस है। इसलिए जब उनको वर्णना किए उन्होंने रासलीला, लास्ट में उनको पास में कोई शब्द ही नहीं रहा, उसको हम वर्णना कैसे करें, क्या नाम दे? पर लास्ट में उन्होंने बताया मधुरम 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 मधुरम। रास लीला नहीं, ये केवल मिठाई 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 मिठाई, ये केवल मिठाई है। इसलिए ये जो रास लीला है ये भागवत का जो मेन जो अंग ये रास लीला है। लेकिन जो रास लीला है लेकिन उसमें रासेश्वरी कौन है? बोले सिर्फ किशोरी राधा राय है, रासेश्वरी कृष्ण राधा रानी, कृष्ण नहीं। रास का मूल कहते कृष्ण नहीं। बोले क्यों? बोले जब रास लीला हो रही थी, रासलीला होते होते जब राधा रानी की मान हो गई, जब राधा रानी रास छोड़कर चली जाती है, वहां पर कृष्ण भी थे, वहां पर चंद्रावली भी थी, वहां पर श्री ललिता विशाखा चंपकलता तुंगभद्रा रूपवत मंदिर रत्न मंदिर सब सखियां थी। लेकिन जब श्री राधा रानी चली जाती है ना, रास टूट गई। वो स्वयं रासेश्वर कृष्ण थे लेकिन रासलीला असंभव हो गया, क्योंकि वहां से श्री राधा रानी वहां से चली गई। इसलिए कहते जो रासेश्वरी कौन है? बोले श्रीमती राधा रानी। इसलिए बताए जोग मायांग उपाश्रिता। तब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं जब श्री सुखदेव गोस्वामी रासलीला को वर्णना करने जाते हैं लेकिन रास कब हो पाएगी? बोले जोग मायांग उपाश्रिता। तो जोग माया मतलब कौन है? साधारण रूप में तो जोग माया, लेकिन कहते यहाँ जो मूल जो जोग माया की जो मूल है कौन है? बोले श्रीमती राधा रानी। बोले इनके बगैर रास असंभव है,
इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी जब रास को प्रारंभ करते हैं, सर्वप्रथम किसको प्रणाम करते हैं? श्री किशोर जी, राधा रानी को प्रणाम करते हैं। बोले श्रीमती राधा रानी की जय। इसलिए कहते जो रास लीला है, कहते ये रास लीला कब वर्णना करते हैं? कहते इनकी अधिकारी भी होनी चाहिए। भागवत का जो प्रथम स्कंध, द्वितीय स्कंध, तृतीय स्कंध, चतुर्थ स्कंध, पंचम स्कंध, पर ऐसे करते करते नवम स्कंध को बाद में फिर उन्होंने दसम स्कंध शुरू किया। यहाँ शिक्षा दिया, हाँ रास तो रास ही है, अगर ज्यादा ही रस खाएंगे ना फिर क्या होगा? डायबिटीज हो जाएगी, फेट फेट खराब हो जाएगी। इसलिए उसको हजम करने के लिए कभी कभी कड़वा भी तो खाए, नीम कभी खानी चाहिए, कभी करला खानी चाहिए, तब तो फिर उधर डाइजेशन होगा। नहीं तो कभी मिठाई मिठाई खाएंगे ज्यादा फिर क्या होगा? फिर शुगर हो जाएगी, गड़बड़ी हो जाएगी है। इसलिए कहते ये रास में प्रवेश करने से पहले, रास लीला सुनने से पहले, इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी पहला स्कंद से लेकर के फिर उन्होंने नवम स्कंद को पहले वर्णना किया। मतलब भगवान की वो दिव्य लीला श्रवण व प्रवेश करने से पहले आपको पहले आधार सही होनी चाहिए, है आधार सही होनी चाहिए। इसलिए जिसमें उन्होंने श्री नारद जी का चरित्र सुना है, मतलब भगवत भक्ति प्राप्त करने के लिए जब तक हमें संतों का संग नहीं मिलेगा, वैष्णव संग नहीं मिलेगा, तब तक हम भक्ति में हम प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने नारद के चरित्र उन्हें सुनाया। फिर व्यास देव का असंतोष का कारण क्या बताया? धर्म अर्थ काम मोक्ष तक भी जीव को आनंद नहीं दे सकता है जब तक जीव शुद्ध भक्ति को अनुष्ठान नहीं करे। जिसमें व्यास नारद की संवाद सुनाए, जिसमें से ध्रुव महाराज की कथा सुनाए, जिसमें भक्ति तक किए, लेकिन जो भक्ति है वो सकाम युक्त भक्ति है। इसी भक्ति को द्वारा वे जीव को शांति नहीं मिल सकती है। फिर उसको बाद में धीरे धीरे सुनाते हैं श्री प्रहलाद महाराज की कथा आती है, जिसमें शुद्ध भक्त का कथा आती है, जिसमें पांडव लोगों का कथा आती है, जिसको श्री सनातन गोस्वामी जिसमें पांच तरह का भक्त का नाम लिया है, ज्ञानी भक्त, शुद्ध भक्त, प्रेमी भक्त, प्रेमापर भक्त और प्रेमातुर भक्त है। ये प्रेमातुर भक्त ये उद्धव जी को मानी गई, जो भक्त में चूड़ामणि है, भक्त में जो सर्वश्रेष्ठ है, जिसके लिए कृष्ण कहते हैं उद्धव न तथा मे प्रियतम आत्म ज्योनिर न शंकर नैव श्री नैव आत्मा जथा भवान। तो तू मेरे जितने प्रिय हो उतना प्रिय है, कहते इतना प्रिय न तथा मे प्रियतम आत्म ज्योनिर, बेटा कितना प्यारा होता है, कहते मेरा बेटा जो ब्रह्मा है उतना प्रिय नहीं, तो मेरे जितने प्रिय हो। शंकर जी जो हरिहर एकात्मा जो शंकर जी, कहते भैया वो भी मेरे इतना प्रिय नहीं, और उससे ज्यादा प्रिया कौन होती है? बोले अपना लक्ष्मी है, अपना पत्नी है। इसलिए कहते मेरी पत्नी भी इतना प्रिय नहीं, बोले उससे ज्यादा प्रिय कौन? बोले श्री बलदेव, मेरे से अभिन्न स्वरूप श्री बलदेव, कहते वो भी इतना प्रिय नहीं, और सबसे ज्यादा प्रिय कौन होता है? बोला अपना आत्मा, कहती मेरा आत्मा भी इतना प्रिय नहीं, तू मेरे जितने प्रिय हो। कौन है? उद्धव जी। लेकिन उद्धव जी किस चीज की प्रार्थना करती है? कहते उद्धव जी की रास लीला की, गोपियों की चरण की धूलि की, ब्रज वधुओं को उन्होंने, उद्धव जी उनको प्रणाम करते हैं। इसलिए यहाँ पर भागवत दशम स्कंद शुरुआत करने से पहले उन्होंने सब भरत महाराज संसार की नश्वरता कैसे दिखाए हैं, जैसे श्री अम्बरीश महाराज शुद्ध भक्त की कथा कैसे दिखाए, उन्होंने इस सब चीज को धीरे 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 वर्णना किया। बोले जब तक हृदय पवित्र नहीं होता है, निर्मल नहीं होता है, इसमें जीव का प्रवेश नहीं। फिर उसमें भी कृष्ण जन्म की कथा आप लोग सुने हो, कृष्ण अष्टम गर्भ में कृष्ण आए, उसको पहले उनने 6 बच्चों को मारे, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, जब उसको मारे फिर शुद्ध सत्व स्वरूप में श्री बलदेव प्रभु फिर कृष्ण जाकर कहीं हृदय में उतरते। और भागवत में पहले उनने पुतना वधि दिखाया है, अगर रास में प्रवेश करने से पहले पुतना को मारो, अपवित्रता को नष्ट करो, फिर अघासुर बकासुर की कथा सुनाए, जो कपट था, जो छल कपट है, ये चीज को हृदय से निकालो। फिर निकालने का बाद फिर क्या सुनाते हैं? फिर ये रास लीला सुनाते हैं। कहते जीवों की तब भी ये अधिकार आएगा जब ये सब चीज को हृदय से जीव
दूर करता है, तभी जीव को इसमें अधिकार आता है। ये रासलीला के बारे में बताए कि जो रासलीला है, ये साधारण लोग जब ये रास कथा सुनते हैं उनके मन में कुछ अटपट सा लगता है, अटपट सा लगता है। लेकिन श्री सुखदेव गोस्वामी श्री विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं, बोले भैया इसमें वक्ता कौन है? बोले श्री सुखदेव गोस्वामी। बोले सुखदेव गोस्वामी कौन है? बोले जो गर्भ से ही, हाँ गर्भ से ही जो 16 साल तक गर्भ में रहे और भगवान के भजन करते रहे, लेकिन गर्भ से जब निकले, बोले जम प्रभजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायन विरह कातर आज भाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विने दो स्तम सर्वभूत हृदयं मुनिवान तस्मी। सुखदेव गोस्वामी को बताए ये कौन है? कहते जो संपूर्ण जन्म होने का साथ साथ जिन्होंने सब कुछ छोड़ करके, जिन्होंने जा करके संपूर्ण ब्रह्म में डूबे हुए थे, हैं कहते एक ज्ञान एक विज्ञान होता है। बोले सुखदेव गोस्वामी वो ज्ञान नहीं, परिनिष्ठित नरगुण ने उत्तम श्लोक लीलाया, जो संपूर्ण ब्रह्म में डूबे हुए थे सुखदेव गोस्वामी, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, हैं सब साधारण व्यक्ति नहीं थे। जिस समय सुखदेव गोस्वामी जन्म लेकर के जा रहा है जा रहे हैं, उस समय कुछ के सरोवर में कुछ लड़कियां जल विहार कर रही थी। जब से सुखदेव गोस्वामी वहां से निकले, लेकिन वो लड़कियां ऐसे जल विहार करते रही, विवस्त्र होकर जल विहार करते रहे। कितने उम्र के थे? बोले 16 साल के, एकदम जवान ही। लेकिन जब व्यास देव जब पीछे पीछे चल रहे थे ना, व्यास देव कैसे बूढ़े हो गए, हैं बूढ़े हो गए। जब ये पीछे पीछे चल रहे थे वो लड़कियां, सुखदेव गोस्वामी 16 साल के थे, उनको देख करके उनके हृदय में किसी तरह का लाज शर्म नहीं आई। लेकिन जिस समय से व्यास देव पीछे पीछे आए, ये लड़कियां देख करके ना पानी से उतर कर आ गए और आकर कपड़े से शरीर को ढक लिए। व्यास देव जी ने पूछा, बोले ये बताओ मेरे बेटा यंग है 16 साल के, लेकिन तुम लोग उनको देख करके तो तुम तो जन्म में विहार करते रहे, कोई तुम्हारे अंदर में कोई लाज शर्म नहीं आई, लेकिन मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मेरे को देख कर तुम लोग पानी से निकल गए गए और कपड़े से ढक क्यों दिया शरीर को? तो उन लोगों ने बताया, देखो वो जो व्यास देव सुखदेव गोस्वामी है ना, वो हम लड़की ना लकड़ी है, लड़की ना लकड़ी है, उनको पता ही नहीं है, उनको पता ही नहीं कौन लड़का कौन लड़की, कौन पेड़ कौन पौधा, कौन किया उनको पता ही नहीं, उनका शरीर के नहीं। आप तो बोल रहे हो तुम लड़की हो, लेकिन उनको ये भी पता नहीं था हम लड़की ना लकड़ी है, तुमको ये ज्ञान है। इसलिए जब जनक महाराज के दरबार में जब सुखदेव गोस्वामी यहाँ पहुंचे, तब श्री जनक महाराज परीक्षा करने के लिए ना श्री सुखदेव गोस्वामी के पास में सुंदर सुंदर एकदम लड़कियां उनको पास में बैठा दी है परीक्षा करने के लिए, ये ब्रह्म विद्या प्राप्त करने का उपयुक्त है कि नहीं। लेकिन सुखदेव गोस्वामी का कोई ध्यान नहीं। लेकिन नारद जी वहां बैठे, नारद जी खड़े हो गए, नारद जी खड़े हो गए तो अलग हट गए। बोले भैया तू अलग क्यों हट रहे, तो जवान है लड़की को बैठे उनके शरीर में कोई विकार नहीं। बोले भैया एक बार मेरे मन में अभिमान हो गया था, मैं तो माया को जीत लिया था, एक दिन मैंने वो माया के चक्कर में पड़ गया था, इसलिए चक्कर में भी तो बहुत डरता हूँ। लेकिन सुखदेव गोस्वामी को जो पता ही नहीं, इसलिए कथा बोलने वाले कौन है भागवत का रासलीला का? बोले जो जन्मजात जो ब्रह्म ज्ञानी है, ये ब्रह्म ज्ञानी। इसलिए सुखदेव गोस्वामी के लिए बताए कवि कर्णपूर, बोले प्रिया सुख श्री वृषभानुजाया पवित्र चंचु प्रिय चुंबनेना एकांत कनन रहस्य पाटी निकुंज प्रसाद सदा निवासी। सुखदेव गोस्वामी के लिए कहते हैं ये सुखदेव गोस्वामी किया है, बोले प्रिया सुख श्री वृषभानुजाया, बोले श्री राधा रानी की ये प्रिय सुख श्री सुखदेव गोस्वामी। कभी कभी राधा रानी उनको अनार के दाना खिलाया करती थी, कृष्ण नाम पढ़ाया करती थी, और कभी कभी राधा रानी उनको कृष्ण रूप मान करके सुखदेव गोस्वामी को, कभी कभी राधा रानी उनको चुंबन करती थी। जब चुंबन करती थी राधा रानी की जो अधरामृत है वो कहाँ लगा? बोले सुखदेव गोस्वामी के ठोट में अधरामृत लगा।
लगने पर, इसलिए जब श्री परीक्षित महाराज प्रश्न किए, वहां पर सुखदेव गोस्वामी पिताजी बैठे हुए थे, बड़े बड़े दाढ़ी, बड़े बड़े गोफ, बड़े बड़े जटा जुटे, सब कोई 100 साल 1000 साल के बैठे हुए थे। लेकिन कथा सुने किससे, कथा सुने किससे, बोले सबसे छोटे बालक से। हाँ, नंगे धड़ंगे कपड़े है ही नहीं, सबसे छोटे बच्चे से कथा सुने। बोले क्यों, इनसे क्यों कथा सुने? बोले कारण है, बोले प्रिया सुख श्री वृषभानुजाया, बोले ये राधा रानी की ये अत्यंत अत्यंत प्रिय तोता है। राधा रानी चुंबन की ना, इसलिए राधा रानी के अधरा मृद लगा हुआ। जब श्री सुखदेव गोस्वामी कथा करते थे, इनकी कथा में राधा रानी की अधरा युक्त तो मृत कथा है, इसलिए इनकी कथा में इतने मीठा और इतने रस था। जहां पर सौ बड़े बड़े उनकी, हाँ बड़े बड़े 88,000 ऋषि बैठ करके, जहाँ छोटे बच्चा की कथा, कारण क्या, राधा रानी की अधरा मृत युक्त कथा, बड़े मीठी कथा। इसलिए बोले सुखम मुखात अमृत द्रव संयुतम, कथा तो मीठा था। इनकी अधरा मृत से कथा निकली, उसमें विशेष विशेष उसमें रस आ गया। हाँ, इसलिए बोलने वाले कौन है कथा को, जो अकुमार ब्रह्मचारी है, अकुमार जो ब्रह्मचारी ब्रह्म संपूर्ण डूबे हुए थे। बोले भैया सुनने वाले कौन है, सुनने वाले कौन है? बोले परीक्षित। बोले क्यों कथा सुन रहे थे? उनको ऋषि की अभिशाप है, सप्तम दिवस में उसको तक्षक दंशन करेगा, इसलिए कथा सुन रहे। जो व्यक्ति मरने वाला, फिर वो जो रासलीला, जो काम युक्त तो होता, तो ये अकुमार ब्रह्मचारी की कथा सुनाते, और जो सुनने वाले जो मरनासरने, जो मरने जा रहे, इस कथा क्यों सुनेंगे? हैं? और जिन्होंने गर्भ में कृष्ण दर्शन जिसने किए, इसलिए कथा सुनेंगे क्यों? और जो सुनने वाले कौन है? बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग, बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग, व्यास पराशर नारद, जो बड़े बड़े ऋषि लोग वहां पर बैठे हुए थे। इसका तात्पर्य जो कह रहे हैं, ये जो रास लीला है, ये कोई काम क्रीड़ा नहीं, कोई काम क्रीड़ा नहीं, ये स्थान दिव्य बल। हाँ, गंगा जी का स्थान। कहते जो स्थान है, भले गंगा किनारा है, गंगा पवित्र स्थान, गंगा किनारा है, वहां कथा सुना रहे थे। हम कुछ दिन पहले वहां गए थे, उसको पास में मैंने भागवत कथा करने गया था, उसको पास में सुखताल उसको कहते हैं, इसलिए मैं वहां पर गया था। अभी विशाल वटवृक्ष है, सुंदर वटवृक्ष है, अभी भी बड़ा मनोरम स्थान है, गंगा पास में गंगा बह रही है। अगर आप कभी चाहोगे ना, आपको हम दर्शन करा के ले आएंगे। उसको पास में कुछ दिन पहले मैं वहीं पर गया था दर्शन करने के लिए, जहाँ हर साल कथा करता हूँ, उसको पास में वो स्थान 90 किलोमीटर वहां से। इसलिए यहाँ पर बताते, जो रास लीला है, ये दिव्य लीला, ये कोई काम क्रीड़ा लीला नहीं है। इसलिए कभी जो रासलीला का जो स्थान है, कभी रासलीला कहाँ हो सकती है? बोले ये मर्ते जगत में नहीं हो सकती है, नहीं तो स्वर्ग लोक में भी नहीं हो सकता है, मोह लोक में भी नहीं, ये तप लोक में भी नहीं, सत्य लोक में भी नहीं, शिव लोक में भी नहीं, ये वैकुंठ में भी नहीं, ये अयोध्या में भी नहीं, ये मथुरा में भी नहीं, ये द्वारका में भी नहीं, कहाँ ये रासलीला हो सकती है? केवल इसी वृंदावन धाम, केवल वृंदावन धाम में ही ये लीला संभव है, और ये लीला कहीं हो ही नहीं सकती है लीला। इसलिए यहाँ पर जब सुखदेव गोस्वामी जब रासलीला को वर्णना करने जा रहे हैं, ये दिव्य लीला है, अपराकृत लीला है, लेकिन इसलिए कहीं भी, कहीं कहीं सुखदेव गोस्वामी जहां जहां कोई रसपरक कोई लीला को उन्होंने वर्णना करने गए, उन्होंने बीच बीच में उन्होंने थोड़ी थोड़ी उन्होंने सबको सावधान भी कर दी। बोले क्या सावधान किया? कहते पहला जो शब्द है, बोले भगवान अपि तारात्री, यहाँ पर शब्द यूज किया, भैया ये रास रचैया कौन है? बोले आप और हम नहीं है, ये रास रचैया ये भगवान है। हाँ, ये भगवान है। कितने गोपियों को साथ में रासलीला किया, कहीं कहीं आता है 100 करोड़, कहीं कहीं आता है 300 करोड़। हाँ, कहीं कहीं 100 करोड़ नाम आता है, और कभी कभी आता है 300 करोड़ गोपियों को साथ में रास किए। हैं, कभी कभी जीव कहता है, कोई कोई, अरे क्या कृष्ण रास कर सकते हैं, हम क्या नहीं कर सकते हैं, क्या कृष्ण ही रास कर सकते हैं? बोले बोले भाई, कृष्ण तो इतनी गोपियों को साथ में रास किए, इसलिए नारद कवि, नारद कवि चक्कर में पड़ गए। बोले क्यों? बोले
घर में अगर दो पत्नी किसका हो जाए ना, बता रहे थे ना इसका दो पत्नी लड़ाई करते हैं, लड़ाई करते इसलिए अगर इसको दो बीवी हो जाए ना, देखना घर में दिन भर महाभारत चलते रहेगा, दिन भर महाभारत चलते रहेगा। एक जोक सुनाते हैं, बोले एक व्यक्ति का दो पत्नी थी। वो व्यक्ति दिन भर बाहर काम करता है, सोचता है घर में जाएगा तो पत्नी थोड़ी मीठी मीठी बोली बोलेगी, बढ़िया बढ़िया खाना बनाएगी, हाँ मीठी मीठी बोली बोलेगी। लेकिन जब घर में आए, घर में महाभारत, रोज महाभारत, दोनों दोनों पत्नी में लड़ाई, इतने लड़ाई झगड़ा। उसने कहते उसने मेरे को ऐसे बोल दिया, उसको कहते उसने मेरे को ऐसे बोल दिया। बोले दिन भर काम करते करते बेचारा आता हूँ घर में, थोड़ा शांति मिलेगा क्या, घर में महाभारत है। सोचा ये दोनों के लिए दो मंजिल मकान बना देता हूँ, एक ऊपर रहेगी एक नीचे रहेगी, फिर लड़ाई नहीं होगी। दो मंजिल बना दिया। अभी जो नीचे रहती है ना, वो पहले से ही खाना पीना बना करके घर के बाहर दरजा में बैठी रहती है, और जो पत्नी आई जोर जबरदस्त हाथ पकड़ कर घर में ले जाती। अभी जो ऊपर रहती है दिन भर परेशानी, दिन भर परेशानी, ये जोर करके ले जाती, मैं बैठी रह जाती हूँ। एक दिन जो ऊपर थी वो बढ़िया बढ़िया खाना पीना बनाकर बोला आज मैं मजा चखाऊंगी, घर को बाहर बैठी ले आकर के। जब पति काम से आए, भले रोज रोज नीचे चली जाए तुम ऊपर बैठ जाती, चलो ऊपर चलो, उन्होंने हाथ को पकड़े और पकड़ कर ऊपर ले जा रही। जो नीचे थी ना बोले कहाँ जा रहे हो, मैं भी तो काम कर रही थी। एक तो हाथ पकड़ कर ले जाए और एक टांग पकड़ लिया, हाँ एक हाथ पकड़ी और टांग, और कोई छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं, बीच में लटका हाँ बेचारा। बीच में लटका हुआ। अभी जो एक चोर उसको घर में चोरी करने आया था, उसने तो चोरी क्या करेगा, दो पत्नी होने पर घर में क्या नाटक होता है, देख कर तो दंग रह गया, क्या चोरी करेगा, भूल गया, देखते रह गया लड़ाई। जब कुछ दिन बाद छड़ी बार में लड़ाई समाप्त हो गई, देखा घर में चोर घुस गया, इतने में चोर को पकड़ कर पुलिस के पास में ले गए। तो पुलिस ने कहा इसको क्या सजा दिया जाए, बोले पुलिस साहब मेरे को जो सजा देना वो सजा लेने के लिए तैयारी, लेकिन एक सजा मेरे को मत दो, पनिशमेंट ले दो, मेरे कभी दो पत्नी कभी नहीं होगी। हाँ घर में दो पत्नी हो ऐसे खेल है, और कृष्ण का कितना थे, 100 करोड़, 300 करोड़ गोपियों के साथ में राज किया। इसलिए नारद जी एक दिन सोचा घर में दो पत्नी हो, घर में रोज कलह, लेकिन कृष्णा 16,108 पटक रात में लीला कैसे कर रहे हैं, उनको संभाल कैसे रहे हैं। एक दिन नारद जी द्वारक में पहुंचे, रुक्मिणी के घर में गए, वहां पर देखा भगवान बैठ करके रुक्मिणी को साथ में पासा कर रहे थे। वहां पर जाते ही नारद जी को कृष्ण स्वागत किए, चरण धोए, बैठाए, पूजा किया। जो वहां से सत्यभामा के घर में गए ना, देखा वहां पर बैठ कर बच्चों को पढ़ा रहे। जो वहां से वहां पर गए नारद जी, कृष्ण ने कहा नारद जी अब तो बड़े दिनों में, बड़े दिनों में अभी भी तो कृष्ण मेरे को विदाई दिया, हाँ बड़े बड़े। जब वहां से तीसरे गए ना, देखा यज्ञ घर रहे, तो बोले चौथे घर में गए और लीला। अभी जिन जिन प्रासाद महल में जाते हैं, कृष्ण को उन्होंने अलग 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 लीला करते हुए मिले, और इसी घर से विदाई दिया दूसरे घर में, कथा तो बड़े दिनों में आए। नारद जी ने कहा हे भगवान, क्या भगवान की विचित्र लीला है, मतलब भगवान ही ऐसे है जो सभी की इच्छा पूरी कर सकते हैं, और सबको लगता है कृष्ण मेरे ही साथ में है। इसलिए यहाँ पर बताया भगवान रास रचे या कोई जीव नहीं, जो भगवान है, मतलब भगवान का जो डेफिनेशन बताया, जिसके अंदर में 6 गुण जिसके अंदर में परिपूर्ण रूप में हो, वो भगवान है। कहते हैं समग्र सस्य ऐश्वर्यस्य वीर्यस्य जसस्य ज्ञान वैराग्यश्चैव सर्वांगम इति यना, मतलब ये 6 गुण जिसको अंदर में थोड़ी बहुत नहीं परिपूर्ण रूप में हो, उसको भगवान कहते हैं। ये जीव राज नहीं रचा सकते। इसलिए हमारे श्री श्रीधर स्वामी उन्होंने बढ़िया उन्होंने एग्जाम्पल दिया है। हाँ? साधारण लोगों का जो भावना ये तो काम क्रीड़ा है, क्या पराई गोपियों को लेकर कृष्ण नाच नचे, लेकिन श्रीधर स्वामी कहते हैं ये काम क्रीड़ा नहीं, ये काम विजय लीला है। तो उन्होंने सुंदर उन्होंने कथा सुनाई। बोले एक समय कामदेव का अभिमान आ गया, बोला क्या भी अभिमान, सरूढ़ हाँ सम दर्प कंदर्प संदर्प दरबार, जय श्रीपति गोपी रास मंडल मंडिता। हाँ कहते ये श्लोक में ना, वो श्लोक में इसमें बता रहे हैं दर्प कंदर्प हरा, जिसने कंदर्प बोले कामदेव का
जो अभिमान को जिसने चूर्ण विचूर्ण किया है लीला के द्वारा, तब तो उन्हें बड़ा सुंदर उदाहरण दिया। उदाहरण दिया बोले एक समय कामदेव का अभिमान आया। बोले क्या अभिमान आया? बोले सबको मैंने नचा दिया है, किसी को मैंने नहीं छोड़ा। स्वर्ग का इंद्र बड़ा अभिमानी है, हमें इंद्र है, उनका भी हमने इतने दंड उन्हें प्रदान की, इतने दंड प्रदान की जो सोच नहीं सकते। ये काम को द्वारा क्यों? उसने जब अहल्या के प्रति आसक्त हो गया, तो उन्होंने अहल्या को जो उन्हें सतीत्व हरण करने के लिए जब पहुंचा, हाँ उसी समय में उन्होंने हमारे से गौतम ऋषि ने उसको अभिशाप दे दिया। बोले तारा तेरे सारा शरीर में भग ही भग हो जाएगा। इतने दुख उन्होंने उठाया, इतने दुख उठाया कि बोले काम को पीछे जाकर बोले उसको भी मैंने नचा दी। बोले श्री हमारे ब्रह्मा जी पितामह ब्रह्मा है, बोले इनको भी मैंने छक्का छुड़ा दी है, इनको भी छक्का छुड़ा दी। उन्होंने एक समय बड़ा सुंदर एक लड़की को उन्होंने सृष्टि की, हाँ सरस्वती लड़की को सृष्टि की। वो लड़की इतने देखने में सुंदर थी, इतने सुंदर थी, ब्रह्मा स्वयं अपना लड़की को पीछे भागी। इतने में वो लड़की हिरण बन गई, ब्रह्मा जी हिरण बन गए और हिरण बनकर उसको पीछे भागे थे। हाँ जिसमें मरीचि आदि जिसको देखकर हंसी उड़ाए थे उन्होंने उनको, बोले देखो ये बूढ़े को देखो अपना बेटी को पीछे भाग रहे। बोले काम ऐसे है। बोले शंकर जी योगी योगी महाजोगी सत्यम शिवम सुंदरम, बोले इनका भी मैंने छक्का छुड़ा। बोले कैसे छक्का छुड़ा है? बोले भगवान जब समुद्र मंथन का समय में महीन रूप धारण की थी, सब देवता तो थे लेकिन शंकर नहीं थे। शंकर जी को बाद में पता चला भगवान ने महीन रूप धारण किया, और सारे देवता ने बताया बोले भैया हमने तो जीवन में बहुत स्त्री देखा लेकिन भगवान जो महीन रूप धारण किया इतने सुंदर रूप हम कभी नहीं देखा, जिसमें दैत्य लोग तो पागल हो गए। हाँ पागल हो, जिस वजह से अमृत उनका हाथ से कोना पड़ा। इसलिए एक दिन शंकर जी भगवान के पास में गए, बोले प्रभु आपका सारे अवतार तो देखा लेकिन एक अवतार नहीं देख पाया। बोले कौन सा? बोले वही। बोले कौन सा? बोले वही। बोले कौन सा बताओ तो। हाँ बोले हमने सुना आप समुद्र मंथन का समय में महीन रूप धारण किया था। बोले हाँ। बोले प्रभु जी थोड़ी सी और रूप दिखा दो। भगवान ने कहा शंकर जी ये कामियों के को मुग्ध करने के लिए बनाया था, और ये रूप देकर तू अपनी आप को संभाल नहीं सकता। बोले प्रभु क्या बोल रहे हो, मैं जोगी जोगी महाजोगी हूँ, सत्यम शिवम सुंदरम, इसलिए मैं नहीं संभाल सकता। बोले नहीं। बोले प्रभु आप क्या समझ रहे हो, एक बार दर्शन करा दो। एक दिन शंकर जी निर्जन में पार्वती को गोद में लेकर बैठे होते और त्रिशूल गाड़ करके, जहाँ त्रिशूल गाड़ देते हैं शंकर जी वहां से कहीं नहीं जाते, वहीं बैठते हैं। बस इतने में बड़ा सुंदर एक निकुंज से भगवान महीन रूप लेकर प्रकट हुए, और एक गेंद को उचालते हुए, हाँ उचालते हुए उन्होंने वहीं से प्रकट हुए। ऐसे लग रहा था मानो दिन में कहीं चंद्रमा प्रकट हो गया, मतलब इतने सुंदर रूप लेकर प्रकट हुए। इतने में जब गेंद को उछालते हुए प्रकट हुए, इतने में शंकर जी की नजर उस पर पड़ा, पड़ते ही और मोहिनी ने थोड़ी सी उनको ऐसे इशारा की। पार्वती बहुत सुंदरी है, वो मृगनयनी है, दक्ष प्रजापति की सबसे छोटी बेटी, सबसे सुंदरी पार्वती थी, लेकिन वो भूल गए पार्वती गोद में बैठी हुई, और उन्हें पार्वती को धक्का मारकर फेंक दिया है, और मोहिनी को पीछे पकड़ भागे, मोहिनी को पकड़ लिया था लेकिन देखा मोहिनी वहां ही नहीं, और दूर में, और बुला रही है। पूरा शंकर जी नंगे हो गए पूरा के पूरे, और उन्होंने पूरा उन्होंने घुमा दिया, चक्कर घटा दिया शंकर जी को। थोड़ी देर बाद में शंकर जी को होश आया, भैया मैं नंगे हो घूम रहा हूँ। हाँ फिर शंकर जी आकर चुपचाप बैठ गए, उनको उनको ऐसे लगा जैसे मेरे किसी ने देखा नहीं ये अवस्था। जब बैठ गए ना इतने भगवान बोले क्यों, बोले क्या बात है? बोले बाबा इतने लज्जित हो गए शंकर जी, इतने लज्जित हो गए। शंकर जी भगवान को प्रणाम किया, बोले प्रभु तेरे माया से बचना बड़ा कठिन है, तेरे माया से बचना। हाँ दुनिया को मैं ये बता सकता हूँ भगवान की माया में इतनी शक्ति है, मेरे जैसे व्यक्ति को भी भगवान ने मोहित कर दिया। इसलिए कहते शंकर जी को भी छक्का छुड़ा दिया, कहते इंद्र जी को भी छक्का छुड़ा दिए, हाँ और नारद जी को पूरा छक्का ही छुड़ा दिए थे। बोले नारद जी का भी तपस्या किए,
तपस्या करने पर इंद्र तो पहले डर जाता है, अगर तपस्या करके तो सक्सेसफुल हो गया, भगवान अगर संतुष्ट हो गए, हो सकता है मेरे इंद्र लोग को मांग लेगा, है इंद्र तो डर गया। उसने रंभा उर्वशी मेनका, उन्होंने सुंदरी सुंदरी अप्सरिया को भेज दिया, सारी बसंत ऋतुओं को साथ में भेज दिया, जाकर के इसकी तपस्या को नष्ट कर लो। स्वर्ग से अप्सरिया आकर के नाच गा नृत्य नृत्य करना शुरू कर दिया, हाँ सुंदर सुंदर म्यूजिक के साथ में। इतने में नारद जी ने तपस्या में बैठे हुए थे, उन्होंने तो आँख खोली, आँख खुलते ही जितने अप्सरे तपस्या थे ना, वो डर मर वहां से भाग गए। हो ना हो नारद जी क्रोधित तो होकर के हमें अभिशाप नहीं दे दे। जब वहां से भाग गए, नारद जी को तो बड़ा अभिमान आ गया, बोला देखो माया को मेरे पिताजी भी जीत नहीं सके, मेरे बड़े भैया शंकर भी, हाँ जब तपस्या कर रहे थे उनको तीसरे नयन ने खोला तो कामदेव को उन्होंने भस्मभूत तो कर दिया था, है इसलिए इंद्र भी कुछ नहीं कर पाए, भी हार गए, लेकिन मेरा कुछ नहीं हुआ। मैं आँख खोलते ही इसे अप्सरा भाग गई, मतलब माया को मैंने जीत लिया। बोले भैया ये बात इतना बड़ा जो काम मैंने किया, किसी बड़े व्यक्ति को तो बोलनी चाहिए ना, शाबाश देंगे। ब्रह्मा जी के पास में जाकर बोले पिताजी आप जो काम नहीं कर पाए ना, मैंने वो काम कर दिया। बोले क्या किया? बोले माया को मैंने जीत लिया। बोले राम 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 राम, कान में अंगूल डाल दी। बेटा और किसको मत कहा, तू मेरे को बोल दिया, तू माया को नहीं जानते, मैं तेरे पिता हूँ, मेरे को पता माया की कितने शक्ति। बोले मैं इतना बड़ा काम किया, पिताजी मेरे भावा नहीं दिया, शाबाश नहीं दिया। गए शंकर जी के पास में, शंकर जी का जो बोले, शंकर जी बोले राम 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 राम, भैया ये बात और किसको मत बोलना, मेरे को बोल दिया, मैंने बोल दिया है, और किसको बोलना नहीं, मेरे को पता है माया की कितना परिक्रम पराक्रम। बोले इतना बड़ा काम किया, मेरे को शाबाश नहीं दे रहे। बोले भगवान के पास में चलता हूँ। गए सीधा नारायणी के पास में, जो नारायणी को बोले ना, भगवान ने देखा इसका फोड़ा हो गया, अपरिश्रम करनी चाहिए। क्योंकि भक्ति जगत में जब अभिमान आ जाती है ना, बोले अभिमान उसको सुरापान बताया है, इसलिए प्रतिष्ठा सुकर विष्ठा बताया। बोले इसका अभिमान हो गया, ब्रह्मा जो काम नहीं कर पाए, शंकर जो काम नहीं कर पाए, और श्री विश्वामित्र जी वो मेनका प्रति आसक्त हो गए थे, हैं बड़ी तपस्या कर रहे थे पहाड़ के ऊपर, मेनका के प्रति आसक्त होकर के सारे जंगल पंगल छोड़कर घर गृहस्थ बैठा दिया है, इसलिए बोले इसका तो फोड़ा हो गया, अपरेशन करनी चाहिए। भगवान थोड़ी संसा दे दिया, बोले देखो मैं एक माया जीतू, तू मेरे बेटा है ना, तू तो माया को तो जीतोगे ही है, जो काम किसी ने नहीं कर पाया तू वो काम कर दिया, पीठ पर हाथ थपथपाए और बड़ी से थोड़ी उसको थोड़ा प्रशंसा कर दिया। बोले भगवान ही केवल सबको सम्मान दे सकते, हम इनको पास में गए कोई सम्मान ही नहीं दिया। नारद तक का छाती तो इतना फूल गया, वो उतर रहे थे, इतने में भगवान ने क्या किया, बीच में एक स्वयंवर सभा रचना कर दी, जहां पर सारे देवता लोग बैठे हुए थे, और बड़ी सुंदरी एक लड़की, लड़की कोई नहीं थी, साक्षात लड़की थी, हाथ में सुंदर एक फूल की माला लेकर के स्वयंवर सभा हो रहा था, मोहिनी हाँ विश्व मोहिनी, कहती जिसको गला में वो माला डालेगी ना वही पति बनेगा। जब वो आई, इतने में उसका जो पिता बने हुए थे ना, बोले नारद बाबा थोड़ी सी आओगे, देखो तो मेरे बेटी का थोड़ा हाथ रेखा देखो तो, उसकी हाथ इतने सुंदर थी, वो मोहिनी की हाथ इतने सुंदर थी, उसका जो भाग्य रेखा था ना, इतने सुंदर भाग्य रेखा था, उनके सारे रेखा हाथ में साक्षात लक्ष्मी को इंडिकेट करता था। उनने इतने सुंदर हाथ को देख करके बोले ये लड़की जिस घर में जाएगी ना, उस घर में तो लक्ष्मी भरपूर रहेगी, उसका पति का विश्व ब्रह्मांड उसका पति का जस होगा पत्नी की वजह से, और ये पत्नी जहां जाएगी सर्व लक्ष्मी स्वरूपिणी, वो साक्षात लक्ष्मी स्वरूपिणी थी, वो साक्षात लक्ष्मी थी। उनको हाथ का रेखा देख करके ना, नारद जी का मुंह में तो पानी आ गया, कहते भैया सब दो दो है, ब्रह्मा ब्रह्माणी, इंद्र इंद्राणी, शिव लक्ष्मी नारायण सब दो दो, फिर मैं अकेला क्यों रहूं, मैं अकेला क्यों, मैं भी दो ही था, हाँ इसलिए उसके मुंह में पानी आ गया। सोचा भैया इसको मैं शादी क्यों नहीं कर लूं, हाँ लेकिन अभी तो ये हो ना स्वयंवर सभा में जो सबसे सुंदर होगा उसको गले माला डालेगी। नारद जी सोच रहे हैं अभी तो मैं तपस्या करके आया, मेरे शरीर में केवल हड्डी हड्डी है, अभी तो मेरे को पसंद नहीं करेगी, लेकिन अभी अभी मैं नारायण के पास में गया था और नारायण मेरे ऊपर बड़े प्रसन्न थे, और सबसे जो सुंदर नारायण,
थोड़ी समय के लिए नारायण के पास में जाता हूँ और थोड़ी समय के लिए उनका रूप को, सुंदर रूप को मांग कर ले आता हूँ, और अगर उनका रूप ले आऊंगा ना बस, ये लड़की तो मेरे गले में माला डाल देगी। वो सीधा वापस से क्या आएगा, सीधा गया नारायण के पास में, बोले प्रभु आपसे मैंने किसी चीज की कहीं मांगी नहीं, एक चीज थोड़ी समय के लिए दे दो। फिर बताओ, बोले आपका ये हरि रूप है ना, थोड़ी सी हरि रूप मुझे दे। हैं भगवान ने कहा जैसे तुम्हारी कल्याण हो ये हरि रूप तेरा। बंदर का भी एक नाम हरि है, उन्होंने पूरा काला बंदर का मुंह दे दिया। वो तो सोच रहा है हम तो बड़े सुंदर है। वापस आया आखिर के, वो लड़की को पास में जाता है, सर ऐसे करता है मेरे गले में माला डाल दे, लेकिन तो काला बंदर का मुंह, वो नाक सिकुड़ती उधर घूम जाती है। वो सोचती है शायद मेरे ऊपर नजर नहीं पड़ रहा है। फिर नारद जी उधर से घूम करके आते हैं, फिर अपना सर को बढ़ाते हैं, फिर वो नाक सिकुड़ती हुई चली जाती है। क्या मेरे ऊपर इसका नजर नहीं पड़ रहा है, मैं इतना सुंदर हूँ, नारायण का रूप लेकर आया हूँ। इतने में नारायण स्वयं गरुड़ को पीठ पर बैठ करके आए। आकर के आते ही वो जो लड़की, वो तो लक्ष्मी थी, नारायण के गला में माला डाले, ठाकुर जी गरुड़ के ऊपर बैठाया और ले जा रहे थे। इतने में देवता लोग ने कहा नारद जी अपना रूप तो थोड़ा देखो, एक शीशा पकड़वा दिया। नारद जी जब अपना मुंह को देखा है ना, एकदम काला बंदर का मुंह है। नारद जी को तो बड़ा क्रोध आ गया, बोले हरि सबको नाच नचाता है, हाँ बोले ये लड़की को पीछे मेरे को ऐसे दर दर भटकाया, मैं आपको अभिशाप देता हूँ, जिस लड़की को पीछे मेरे को दर दर आपने भटकाया, एक दिन इसी लड़की को पीछे आप भी रोओगे, आप भी दर दर भटकोगे, अभिशाप दे दिया। जब अभिशाप दे दिया, इतने में भगवान अपना माया को हटा देते, हटा दिया तो है तो उसको ज्ञान है, अरे मैंने भगवान को अभिशाप दे दिया, अरे मैंने सोच रहा था माया को मैंने जीत लिया था, लेकिन लक्ष्मी के प्रति आसक्ति हो गया। फिर भगवान ने कहा नारद जी जब ये लड़की को पीछे में दर दर भटकूंगा ना, तेरे जैसे बंदर, काले बंदर मुंह वाले मेरे को मदद करेंगे और ये लड़की को उद्धार होगा। मतलब जो रामलीला का है ना, रामलीला का प्लेटफॉर्म वहां पर बना है, इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं, हाँ यहाँ पर कामदेव का अभिमान हो गया। क्या अभिमान हो गया, मैंने माया को मैंने जीत लिया, क्योंकि सबको मैंने परास्त कर दी, लेकिन केवल एक व्यक्ति को मैंने परास्त नहीं कर पाई। बोले कौन है, बोले भगवान कृष्ण। अगर उनको साथ में दो हाथ हो जाए ना, फिर तो सारा विश्व ब्रह्मांड का मैं मालिक बन जाऊंगा। उन्होंने भगवान को जाकर के चुनौती मांगी, आओ मेरे साथ में युद्ध कर दो। भगवान ने कहा कोई चिंता मत करो, मैं जब द्वापर युग में कृष्ण बन करके आऊंगा, सतखंड गोपियों को साथ में जब मैं रास लीला करूंगा, तभी तेरे साथ में मैं युद्ध करूंगा। है इसलिए लास्ट में भगवान जब ये रास लीला कर रहे थे, कैसे उन्होंने बुलाया, क्या किया, फिर हम उसको कल सुनेंगे, ठीक है, फिर कल सुनेंगे, फिर कल जो पहला जो श्लोक है ना भगवान ने उतारा थे, उसका व्याख्या हम कल सुनेंगे। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने एक एक शब्द का अलग, भगवान अपनी तारात्रि शरद उत्फुल्ल मल्लिका भिक्षरंती मनस चक्रे जोग माया उपासिता, उन्होंने एक एक जो शब्द है ना उसका उन्होंने अलग 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 उन्होंने अर्थ किया है, और उन्हें क्या अलग अलग अर्थ, फिर कल हम उसको कथा सुना कर के 7 बजे निकलेंगे ना, अभी बंद कर दो, अभी अभी कितना टाइम हो गया।